अंबा और भीष्म की कहानी महाभारत के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है, जो प्रतिशोध, प्रेम और नारी शक्ति की एक अद्वितीय मिसाल पेश करती है। यह कहानी महाभारत के युद्ध के पीछे के कई कारणों में से एक है, जो भीष्म के जीवन और उनके चरित्र को भी गहराई से प्रभावित करती है। आप देख रहे हैं अनसुनी भगवान कथा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंबा, अंबिका और अंबालिका काशी नरेश की तीन पुत्रियां थीं, जिनका विवाह करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था। भीष्म, जो हस्तिनापुर के सबसे बड़े और सम्मानित योद्धा थे, अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए उपयुक्त दुल्हन की तलाश में थे। काशी के राजा ने हस्तिनापुर के राजवंश को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए योग्य पत्नियां प्राप्त करने की ठान ली। स्वयंवर के दिन भीष्म वहां पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए, ताकि उनका विवाह विचित्र वीर्य से हो सके। उस समय राजाओं द्वारा स्वयंवर से अपहरण करना एक आम प्रथा थी, जिसे राक्षस विवाह कहा जाता था, और भीष्म ने इसे धर्म के अनुसार सही समझा। अंबा, जो सबसे बड़ी बहन थी, ने भीष्म से कहा कि वह पहले से ही राजा शाल्व को प्रेम करती हैं, जो स्वयंवर में मौजूद थे। उन्होंने भीष्म से अनुरोध किया कि उन्हें शाल्व के पास वापस जाने दें, क्योंकि उनका मन पहले से ही शाल्व को समर्पित था। भीष्म ने अंबा की बात सुनकर उनकी इच्छा का सम्मान किया और उन्हें शाल्व के पास वापस भेज दिया, यह कहते हुए कि एक क्षत्रिय के रूप में वह इस प्रकार के प्रेम संबंधों को बाधा नहीं देंगे। अंबा जब राजा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। शाल्व ने कहा कि चूंकि भीष्म ने उन्हें स्वयंवर से अपहरण कर लिया था, अब वह उनके योग्य नहीं है। शाल्व ने यह कहते हुए अंबा को लौटने का आदेश दिया कि वह पहले ही भीष्म के अधिकार में आ चुकी है। अंबा इस निर्णय से बेहद आहत हुई, क्योंकि शाल्व ने उन्हें छोड़ दिया था और अब वह न तो शाल्व के पास जा सकती थी और न ही विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर सकती थी। अंबा का जीवन अब असमंजस में पड़ गया था। वह हस्तिनापुर वापस आई और भीष्म से विनती की कि वे अब उनसे विवाह करें, क्योंकि वह शाल्व द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी और समाज में कहीं भी स्वीकार्य नहीं थी। भीष्म ने अपने जीवन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया हुआ था और प्रतिज्ञा की थी कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे। इस कारण उन्होंने अंबा के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबा को यह अस्वीकार और अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने भीष्म से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, क्योंकि उन्होंने माना कि उनकी स्थिति के लिए भीष्म ही जिम्मेदार थे। वह पूरे आर्यावर्त में घूमी और विभिन्न राजाओं और योद्धाओं से भीष्म से बदला लेने के लिए सहायता मांगी, लेकिन कोई भी भीष्म से युद्ध करने का साहस नहीं कर सका। अंत में अंबा ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अंबा ने शिव से वरदान मांगा कि वह अगले जन्म में भीष्म के विनाश का कारण बने। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वह एक योद्धा बनेंगी और भीष्म का अंत करेंगी। अंबा ने अपने जीवन का अंत कर अगला जन्म लेने का फैसला किया। महाभारत के युद्ध के दौरान अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी द्रुपद के पुत्र थे और उन्होंने जीवन भर अपनी पहचान अंबा के पुनर्जन्म के रूप में बनाए रखी। शिखंडी को यह ज्ञान था कि वह भीष्म का अंत करने के लिए जन्मे हैं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पांडवों के विरुद्ध कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तब शिखंडी ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म का सामना किया। भीष्म को यह ज्ञान था कि शिखंडी अंबा का पुनर्जन्म है और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कभी किसी स्त्री या स्त्री के पुनर्जन्म पर शस्त्र नहीं उठाने की शपथ ली थी। इस कारण जब शिखंडी ने भीष्म पर हमला किया तो भीष्म ने उसका प्रतिरोध नहीं किया। अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से भीष्म को परास्त किया और इस प्रकार अंबा ने अपने प्रतिशोध को पूरा किया। अंबा और भीष्म की यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक थी।